नमस्कार। परफेक्ट न्यूज जैसा कि आप जानते हैं कि नई टेक्नोलॉजी की बात करता है और उभरते हुए वैज्ञानिकों का बात करता है, जो भी बच्चे नए आविष्कार करते हैं। आज इसी के संदर्भ में जो ट्रैक्टर देख रहे होंगे वो ला भी रहे हैं, इन्होंने खुद बनाया है। और इस ट्रैक्टर की खासियत यह है कि मात्र जो है 50 से 60 हज़ार रुपये में आपको उपलब्ध हो जाएगा। और सबसे ताजुब की बात यह है कि यह ना ही डीजल से चलेगा, ना ही पेट्रोल से चलेगा और ना ही चार्जिंग करना पड़ेगा। सिर्फ इसको चलाते जाइए, इसका जो भी संसाधन है अपने आप चार्ज होता रहेगा, आपको कोई खर्च नहीं करना है। और इतने कम कीमतों में दे रहा है। इस ट्रैक्टर की दूसरी खासियत क्या है कि इसमें हर एक तरह का इक्विपमेंट लगा सकते हैं जो खेत में काम के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे कि आपको जुताई करना है, कार्वेटर है, मिट्टी प्लेन करना है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर खेत में आपको सिंचाई भी करना है तो इसमें मोटर के माध्यम से आप खेत में सिंचाई भी कर सकते हैं। इसको चार्ज करने के लिए सबसे बड़ी बात है, इसका जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, जितना ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे, उतनी ज़्यादा इसकी कैपेसिटी बढ़ती रहेगी और चार्जिंग भी आपका होता रहेगा। तो इसमें दर्शकों को बस ध्यान देना है कि यह जो है ट्रैक्टर सिर्फ आपको ज़्यादा चलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो क्या इसमें कुछ ऐसा भी है क्या कि दिन भर में 2 घंटे या 5 घंटे ही चला सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। आप जितना चाहें उतना चला सकते हैं। आपको चलाने से और फ़ायदा मिलेगा। आप छोटे छोटे इसमें पावर बैंक लगा लीजिए और चलाते रहिए, वो चार्ज होता रहेगा। आपको रात में इस पावर बैंक को चार्ज करने से घर में इसका छोटा फैन, छोटे लाइट जला सकते हैं इस ट्रैक्टर को चलाते समय। कहने का ये मतलब है कि ये ट्रैक्टर ही नहीं है बल्कि जो है एक पावर बैंक का काम करेगा और पूरे घर का बिजली भी इससे आप उत्पन्न कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि आप चार्ज कर रहे हैं और इसके साथ और भी बैटरी या कोई भी चीज आपको चार्ज करना है तो इसको जोड़ सकते हैं और जितना चलाएंगे पहले इसकी बैटरी फुल चार्ज होगा और चार्ज होने के बाद वो भी इक्विपमेंट फुल चार्ज हो जाएंगे। बाद में आपको अपने घर के इन्वर्टर में बैटरी चार्ज लगाना है या जो भी करना है। तो आइए यहाँ के नागरिकों से भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है इस ट्रैक्टर से कुछ लाभ मिल सकता है गांव के किसानों को? हाँ हाँ, ज़्यादा लाभ मिल सकता है क्योंकि कम खर्च में कोई खर्चा नहीं है, ना डीजल लगेगा, ना कोई बैटरी लग रही है और काम ज़्यादा होगा। अच्छा, 3 घंटा में 1 एकड़ जुताई हो जा रहा है। आइए इसकी विस्तृत जानकारी के लिए बाल वैज्ञानिक राहुल सिंह जी, इनसे बात करते हैं। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल में आपका। पहले तो ये बताइए कि यह ट्रैक्टर जो है क्या सोच के आपने बनाया? आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। और मेरा नाम राहुल सिंह है, मैं ABC पब्लिक स्कूल दिव्य नगर क्लास 12वीं का स्टूडेंट हूँ। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के DIIC के इनक्यूबेशन सेंटर पे हम यहाँ पे एक इनोवेटर हैं। अभी हम पिछले साल से कुछ रिसर्च कर रहे थे तो काफ़ी उसमें से सबसे मतलब प्रोजेक्ट हमने बनाया कि बैटरी ऑपरेट ट्रैक्टर। तो बैटरी ऑपरेट ट्रैक्टर बनाने के लिए हमारा बन गया, लेकिन अभी हम लेटेस्ट जो मॉडल बनाए हैं कि जो हमारा चलते चलते चार्ज होता है और 3 घंटे में 1 एकड़ की जुताई करता है पूरा परफेक्ट। इसमें नीचे रोटावेटर भी लगा है, कल्टीवेटर भी लगा सकते हैं आप इसमें, और ट्राली लगा के 10 क्विंटल का वेट लेके कैरी कर सकते हैं। देखा जाए क्योंकि डीजल पेट्रोल का इतना दाम महंगा हो चुका है, एक तरीके से किसान को ट्रैक्टर एक खरीदना बहुत ही दिक्कत होती है। तो हमने लो कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर बनाया जो सबसे कम दाम में हमारा ट्रैक्टर तैयार हो जाएगा और जल्द ही इसको मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। इसका भी जो पेटेंट प्रोसेस है वो प्रक्रिया जारी है। तभी इसका लगभग क्या प्राइस हो सकता है मार्केट में? मान के चलिए इसका प्राइस का रिसर्च हमने किया तो 60,000 तक के एवं में हम लोग इसको लॉन्च कर सकते हैं। 60,000 का ये पूरा इसमें रोटावेटर कल्टीवेटर मिलेगा और एक ट्रैक्टर मिलेगा जो कि करीब 10 साल इसकी मतलब पूरा इसका लाइफ टाइम है। करीब 10 साल ऑटोमेटिक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और किसान को अगर कम दामों में ट्रैक्टर मिल जाए, जैसे कि गांव में होता क्या है, बड़े ट्रैक्टर जो होते हैं तो जो बड़े ट्रैक्टर गांव में मिल नहीं पाते समय से काम करने के लिए, तो जब एक ट्रैक्टर किसान के पास रहेगा तो वो जब चाहे अपना काम कर सकता है आसानी से। तो इसी को सोचते हुए हमने एक छोटा इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनाया जो कि आसानी से कम कास्ट में किसान अपना काम कर सके। राहुल जी, एक बात और पूछना चाहेंगे, अभी कई भी ऐसे ट्रैक्टर आए हैं जो कि उनको बिजली से चार्ज करना पड़ रहा होगा, हमारे अभी दर्शक भी थोड़ा कन्फ्यूज हो गए होंगे कि इसको चार्ज नहीं करना है, तो आखिर ये कैसे चलने की? एक्चुअली जो हमारा पेटेंट प्रोसेस में हम उसको अभी बेसिकली चीज़ बता देते हैं। हमने इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का सर्किट उपयोग किया जो हमारा सैटेलाइट से कनेक्ट रहता है और इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का अल्टरनेटर डायनमो बनाया गया जो कि रोटेशन से हम चार्जिंग लेते हैं, बैटरी का सेविंग चलते चलते चार्ज करते हैं। काफ़ी इस पर आपका कमेंट वगैरह हम पढ़ते हैं तो वो आता है, लेकिन उसको जब पेटेंट प्रोसेस हमारा मिल जाएगा तो उसको हम बता सकते हैं। अभी तो हम उसको आपको बेसिक बता दें कि कैसे चलते चलते चार्ज होता है।
चलते चलते ही चार्ज हो जाएगा अगर इसको चलाया ना जाए। हाँ। अगर सपोज करिए कि हम लोग 5-6 महीने इस ट्रैक्टर को थोड़ा भी नहीं चलाए तो इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। जी, बिल्कुल। और इसको चार्ज करने के लिए सबसे बड़ी बात है इसका जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, जितना ज्यादा इसका यूज करेंगे उतनी ज्यादा इसकी कैपेसिटी बढ़ती रहेगी और चार्जिंग भी आपका होता रहेगा। तो इसमें दर्शकों को बस ध्यान देना है कि यह जो है ट्रैक्टर सिर्फ आपको ज्यादा चलाना है, ज्यादा इस्तेमाल करना है। क्या इसमें कुछ ऐसा भी है क्या दिन भर में 2 घंटे या 5 घंटे ही चला सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। आप जितना चाहे उतना चला सकते हैं। आपको चलाने से और फायदा मिलेगा, आप छोटे छोटे इसमें पावर बैंक लगा लीजिए और चलाते रहिए, वो चार्ज होता रहेगा। आपको रात में इस पावर बैंक को चार्ज करने से घर में इसका छोटा फैन, छोटे लाइट जला सकते हैं इस ट्रैक्टर को चलाते समय। कहने का ये मतलब है कि ये ट्रैक्टर ही नहीं है बल्कि जो है एक पावर बैंक का काम करेगा और पूरे घर का बिजली भी इससे आप उत्पन्न कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि आप चार्ज कर रहे हैं और इसके साथ और भी बैटरी या कोई भी चीज आपको चार्ज करना है तो इसको जोड़ सकते हैं और जितना चलाएंगे पहले इसकी बैटरी फुल चार्ज होगा और चार्ज होने के बाद वो भी इक्विपमेंट फुल चार्ज हो जाएंगे। बाद में आपको अपने घर के इन्वर्टर में बैटरी चार्ज लगाना है या जो भी करना है। वीडियो आपका देखने के बाद दर्शकों के मूड में आता है कि इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये चीज हम परचेज कर लें। कई तरह के लोग कमेंट करते हैं कि इसको कहां से परचेज किया जा सकता है, कैसे पाया जा सकता है। इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि अभी जो है इसका रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है और इसको अभी आपके पास अवेलेबल नहीं हो पाएगा। इसकी विस्तृत जानकारी एक बार बताइए हमारे दोस्तों। एक्चुअली इसमें होता क्या है, जब हम प्रोजेक्ट कोई भी बनाते हैं तो उसको अभी गोपनीय रखा जाता है। उसके बाद जब पेटेंट प्रोसेस में एक ऑप्शन आता है कि इसको मीडिया में पब्लिश करिए, तो अभी वो ऑप्शन मतलब हम पब्लिश कर रहे हैं। जैसे पेटेंट सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद हम इसको लॉन्च कर देंगे। अभी प्रोसेस में है, कुछ गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है अपना अथॉरिटी के। अभी इसको मार्केट में आने में कितना साल लग सकता है? साल नहीं देखा जाए, क्योंकि मतलब कुछ ही मान के चलिए 5-6 महीने में हम लोग इसका पूरा लॉन्च कर सकते हैं। 6 महीने के अंदर 2021 के लास्ट तक ये लॉन्च हो जाएगा। ठीक।